Four students, ABCD, note down the score obtained by them in 8 unit test scores, ABCD, EFG, H. For every subject, there is one student who has expertise in that subject. Each student has expertise in 2 subjects, and this pair of subjects is called her his specialty. Having expertise in a subject does not necessarily ensure a top score in it. The following table shows the score of 4 students in 8 unit tests across the 8 different subjects. फिर कुछ कंडीशंस हैं तो करें स्टार्ट। यस सर। चलो कंडीशंस ऐसी हैं, इफ समवन स्कोर इज 20 वो डेफिनेटली उसका स्पेशलिटी वाला सब्जेक्ट होगा। कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, 20 मिल गया तो सर एक एक आई और स्पेस है ना, एच में भी है सी सर। वाले में भी है ना, हाँ तो ये स्पेशलिटी है, तो ये स्पेशलिटी और किसी का नहीं नहीं हो हो सकता। सकता है, और ये यहाँ पर स्पेशलिटी है तो ये किसी और का स्पेशलिटी नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? यस सर। फर्स्ट वाला यूज किया, 3 डिफरेंट सब्जेक्ट हैड स्पेशलिटी, 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स हैड स्पेशलिटी इन सब्जेक्ट एबीसी। एबीसी में जिनकी स्पेशलिटी थी वो सब डिफरेंट है, ठीक है? यस सर। यस, टू डिफरेंट स्टूडेंट है स्पेशलिटी इन ए एंड एच, तो ए और एच में भी अलग अलग है, डिफरेंट पीपल है, मतलब सेम नहीं है। ए और एच वाले जो टॉपर है ना, ए और एच की स्पेशलिटी जिसकी है वो सेम नहीं है, ठीक है? ये भी एक तरह से यूज किया। द क्यूमुलेटिव स्कोर ऑफ ऑल स्पेशलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 पीपल वर इवन, तो 2 के क्यूमुलेटिव स्कोर इवन है तो 2 के ऑब्वियसली ऑड हो जाएंगे। आशाज क्यूमुलेटिव स्कोर ऑफ आर ओन स्पेशल इज लेस देन 35, आशा का लेस देन 35 है भाई, यहां पे लिख लेता हूं, आशा का जो है वो लेस देन 35 है, एंड ग्रेटर देन द क्यूमुलेटिव स्कोर ऑफ एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट। यार आशा का 2 स्टूडेंट से ज्यादा है तो आशा सेकंड रैंक नहीं हो गई क्या? यस सर। यस सर। ठीक बात है, ये भी पॉइंट यूज किया। देव का ऑड नंबर है, ठीक है भाई, देव का जो टोटल आना चाहिए वो ऑड आना चाहिए, ठीक है? नो वन हैज क्यूमुलेटिव स्कोर इन दिस स्पेशली सब्जेक्ट, सेम सेम किसी का भी नहीं है, और भीम के 2 इक्वल स्कोर नहीं आए, तो भीम के 2 सेम स्कोर नहीं है, ठीक है? अ स्टूडेंट एक्स एनवीज अनदर स्टूडेंट वाई, इफ वाई क्यूमुलेटिव स्कोर फॉर एक्स स्पेशलिटी इज मोर देन एक्स क्यूमुलेटिव स्कोर, मतलब मेरे स्पेशलिटी वाले सब्जेक्ट में, मतलब फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग में आप उसे अच्छे नंबर ले आओगे, तो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ बच्चों, तो मैं आपको एनवी करूंगा, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये कंडीशंस थी, करें स्टार्ट। सर सर यस सर। हाँ जी, सर आपने इसमें अज्यूम क्यों किया कि जैसे जी जी में आशा की स्पेशलिटी है तो वो किसी और की नहीं होगी, तो 8 सब्जेक्ट है, सबकी दो दो है। इसमें अज्यूम ऐसा कर लेंगे अपन कि किसी की नहीं नहीं रिपीट नहीं नहीं ये हो कहीं सकती। पॉइंट है, फॉर एवरी सब्जेक्ट देयर इज वन स्टूडेंट हु हैज एक्सपर्टीज इन दैट सब्जेक्ट, ओके ओके ठीक है ना? चलो अब करें स्टार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन ये भी काफी इजी सा लग रहा है देखने में, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम कुछ ज्यादा दिक्कत वाला लग नहीं रहा। क्या कर सकते हैं देखते हैं, क्या क्या कंडीशन है। आशा का लेस देन 35 करना है, तो सबसे पहले आशा का एक स्कोर तो 20 है, तो ये 19 वाले तो हट गए, 17 वाला भी हट गया, तो जो आशा का टोटल स्कोर है ले वो या सकते तो हैं 33 या फिर 34 हो सकता है, 34। ये समझ में आया? तो यहाँ पे 33, यस सर। गॉड चेंज करनी पड़ रही है बार बार, तो यहाँ पे 33 या फिर 34 है इसका स्कोर, तो एक जने को इससे आगे रखना है, बाकी 2 को इससे पीछे रखना है, ये वाली इंफॉर्मेशन यूज कर ली, इसको हटा देता हूँ। सर ऐसे ही देव का भी टोटल पता चल जाएगा, 33 या 31 ही हो सकता है। देव का देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं,
देव का अभी तक जो स्कोर है वो 18 और 15 ले लेता हूं तो 33 हो जाएगा, हाँ सर, 18 उसको ऑड और बनाना है 13 ले ना, लेता हूं तो 31 हो जाएगा, 31 ले 15 और 13 ले लेता हूं तो 28 हो लेनी जाएगा। सर, सर देव ऑड है। देव को ऑड ही बनाना है। देव का ऑड ही है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है अपन ने, तो बढ़िया है, तो इसका 31 या 33 है, तो एक बंदा तो जो ए से कम है वो देव हो गया पक्का से, है कि नहीं। यस सर, यस अब सर। कार्लोस और भीम में देखो, सर इनमें से एक को तो इवन भी करना पड़ेगा। डेफिनेटली दो और दो इवन है, हाँ तो एक तो इसको कर सकते हैं ना सर, पहले कार्लोस को ले सकते हैं क्योंकि हम अपन को 20 पता है इसमें क्या चीज सर, 20 पता है ना, एक स्कोर तो 20 पता तो है बेटा हमको इसके पास इसमें। ऑड इवन दोनों के ऑप्शन आ रहे हैं ना, कि 13 ले लेगा तो इसका ऑड हो जाएगा, 18 14 16 ले लेगा तो इवन हो जाएगा। सर जैसे मैंने ऐसे किया था, एच है इसके पास, तो इसके पास ए तो हो नहीं सकता, तो ए तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। हाँ सर, इसके पास ए कार्ड उसके पास नहीं हो सकता है। ए और एच दोनों के पास नहीं हो सकता। चलो अब करते हैं आगे, तो आपने जो जो पॉइंट बचे हुए हैं ना वो यूज कर लेते हैं। ए और एच डिफरेंट वाला आप लोग बोल रहे हैं, तो कार्लोस का क्योंकि आपने एच दे रखा है तो उसको ए नहीं दे सकते, मत दो कोई बात नहीं, ठीक है। और क्या पॉइंट है जो अभी तक डे वो और लिखी लिया अपन, इसको हटा देता हूँ। एबीसी में तीन डिफरेंट लोग आएंगे, ए और एच डिफरेंट होगा, ये भी अपन ने कर लिया, दो इवन दो ऑड है ये ध्यान में रखना। चलो अब देखते हैं, अब देखो बच्चों एक काम करते हैं, इनके पॉसिबल स्कोर्स देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं, मेरे हिसाब से वो भी अपन को एक आइडिया दे देगा, है कि नहीं। तो यस सर, जैसे बी के पॉसिबल स्कोर्स क्या क्या हो सकते हैं, इट कैन बी 28, सबसे छोटे दो ले ले दो, बट इसके थर्टी पास क्या क्या टू वैल्यू है भाई, 13 थर्टी 15 टू 17 थर्टी 28, फोर तो 13 28 15 थर्टी 28 हो सकता है, 13 17 थर्टी फोर 30 हो सकता है, 13 19 32 हो सकता है, 15 17 32 हो सकता है, 15 19 34 हो सकता है, और 36 हो सकता है, ठीक बात है। यस सर, और इसी तरह कार्लोस के तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, 20 तो है ही, तो इसका मिनिमम 33 हो सकता है, हो सकता है मिनिमम 33, इसका यस सर, 34 13 और भी हो सकता थर्टी है, सिक्स 34 इसका 36 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है। 38। हाँ तो बच्चों मेरे को ए से नीचे दो लोगों को रखना था, उसमें से एक तो डी दिख रहा है मुझे, बोलो हाँ या ना, कार्लोस यस सर, यस सर, क्या ए से कम हो सकता है, नहीं क्यों नो नहीं। सर, मतलब अगर आशा को 34 देते हैं तो हो सकता हाँ आशा को है। 34 दे दो, कार्लोस को 33 दे दो, सर पर अपन को अब ए और बी ऐसा भी तो करना है ना, अपन एक चीज इसमें भूल गए, अगर मैंने ए को ए ले लिया तो मैं नीचे बी और सी नहीं ले सकती साथ में, ए बी सी अलग अलग लोगों के पास है। अरे बच्चों एक बहुत छोटा सा पॉइंट इसको खत्म करेगा, बी की सारी वैल्यूज इवन आ रही हैं, यस सर, बी की सारी इवन है तो बी तो पक्का से इवन है। हाँ यस सर, बी वन है। तो अब ए और सी जो बचे उनमें से एक इवन एक ऑड करना पड़ेगा, है कि नहीं, सर ए को इवन करना, ऑड करना पड़ेगा क्यों। सर, क्योंकि इसको अगर 34 ले लेते हैं हाँ ए को, हाँ तो यहाँ 34 तो ले नहीं सकते इन दोनों में, बी और सी में से हर किसी का स्कोर डिस्टिंक्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। हो जाएगा बिल्कुल फिर सर, आगे बी में मेरे स्कोर पास नहीं 33 और बैठेगा। 31। हाँ सर, हाँ फिर है ना बिल्कुल, ए बी तो सी का भी है, मैं वही कह रही हूँ इसमें, क्योंकि ए सबके, ए बी और सी तीनों अलग अलग लोगों के पास जाएगा। एक अभी पॉइंट जो ये हमने भी स्कोर्स है जो ध्यान देना, लिखे हैं ना, वो हमने इनको सबके इंक्लूड कर दिया हमने, मतलब इसमें क्या किया, दो जनों को ए भी दे दिया, मतलब एक जने को ए और सी दोनों दे दिया, ऐसे भी किया है अपन ने। चलो ठीक है। देखो मैं यदि ए को 34 दे देता हूं, सपोज करो मैंने ए को 34 दे दिया, दे दूं तो दे दो ए सर, का क्या यस हो गया, सर, इवन। इवन। अब बाकी दोनों ऑड ही रखने पड़ेंगे, सी और डी, अब बाकी दोनों ऑड रखने पड़ेंगे, पर सर और ऑड वैल्यू छोटी है ना मेरे सी की। को, हाँ मेरे को इसको 33 दे दूं तो हो जाएगा क्या मेरा काम, नो सर, फिर सबसे बड़ा ए हो जाएगा, क्यों हो जाएगा सबसे बड़ा ए, तो बी बड़ा एम बड़ा सी हो थर्टी सिक्स जाएगा हो सकता है ना फिर, भी तो बी थर्टी बचा है बेटा, सिक्स ये वो लो ये मैं सर्किल कर रहा हूं,
मैंने 34 ए को दिया, इवन हो गया। इसको 33 दिया, ठीक है। इसको 33 दे नहीं पाऊंगा तो 31 दूंगा, क्योंकि सेम स्कोर हाँ नॉट अलाउड, ठीक है। सर, मैं और बताऊं इसको फिर क्यों नहीं दे 36 सकते देना सर, पड़ेगा, 36 नहीं दे सकते इसको। दो ऑड। अभी तक तो सही चल रहा है, अब ये करके देखते हैं इसमें दिक्कत क्या है। ये करके देखते हैं, हमने लिख तो लिया पर इसको करके देखते हैं हो भी पा रहा है या दिक्कत हाँ देगा। सर, क्योंकि तो मेरे हिसाब से ए दिक्कत साथ देगा, में आ रहा है। है ना? कैसे दिक्कत देगा? जैसे ए को 34 किया तो मैं दूसरे कलर का तो पेन यूज ए कर वहां यूज लेता हो गया। हूँ। ये वाला करे, कौन सा करे बच्चों, ये ऑरेंज करते। चलो ए को 34 किया, दैट मींस मैंने ये हटा दिया और ये हटा दिया, तो ए को 40 दे दिया। अब यदि ये हो गया इसकी स्पेशलिटी तो ये हट गई और ये हट गई, समझ में आ रहा है? यस सर, अब यस सर, बी को 36 कैसे करेंगे? थर्टी योर सी सिक्स साथ आई में थिंक आ जाएंगे, 1917 इज द ओनली ऑप्शन, और बी और सी दोनों साथ में पॉसिबल नहीं है, तो नहीं नहीं है, साथ में 1917 हो ले सकता नहीं है। सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि ये दोनों तो डिफरेंट लिखा हुआ है हाँ, ऊपर अपन ने, तो इसका मतलब दिस केस इज नॉट नॉट पॉसिबल। समझ पॉसिबल। में आ गया बच्चों? तो ऐसे कभी भी है तो करके देख लो, आपको आराम से डाउट क्लियर होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, नहीं है पॉसिबल। चलो कोई बात नहीं, इससे साफ पता चल गया कि ए को 33 लेना पड़ेगा। सर एक 34 का भी लास्ट के सेलिब्रेट कर रहा था सर, वो थोड़ा नेट फ्लक्चुएट हो रहा था। बेटा ए को 34 किया था ना, तो उस केस में अपन को बी को 36 ही करना पड़ेगा, और हाँ 36 हाँ केवल ये 1917 से हो रहा है, तो बी और सी तो सेम देने को दे नहीं सकते ना अपन, अच्छा ठीक है बी और सी सर। डिफरेंट है ना। तो हाँ इसका हाँ मतलब ए का 33 है, 33 है तो इसका मतलब ए का ये कट कर देते हैं, ये नहीं मिलेगा ए को। ए का 33 है तो इसका ये 33 हो नहीं सकता है, इसका 31 होगा। 31 कैसे होगा भाई, 18 और 13 से, इसका मतलब इसको 13 तो पक्का से मिलेगा, तो इसका ये और ये कैंसिल हो गया, यस सर, 33 सारे कैंसिल बैठेगा हो गए। ए का। और यदि ये कैंसिल हो गए तो ए को ये वाला 13 देना ही पड़ेगा, तो ये सारा कैंसिल हो गया। और इसका 31 बनाना है तो 15 तो दूंगा ही नहीं मैं वैसे ही, सर है कि इसको नहीं? 13 और 18 ए दे देंगे, दे अब को अपन ने ए। क्या किया है, ए को तो 33 बनाया है, डी को एक 31 बना दिया। अब एक नंबर 33 से ज्यादा लेना है अपन को सर और एक 38 नंबर ही दे 33 से पाएंगे। कम लेना है। कार्लोस 33 से कम तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो ऑड हो जाएगा, नहीं और तो हो जाए तो, पर 33 से कम तो उसका स्कोर वैल्यूज ही ही नहीं उसके नहीं है, पास, वैल्यू भी वैल्यू नहीं नहीं है। है। हाँ तो इसका तो सर मतलब वो ये इवन ही होगा और ये ऑड, ये भी दो इवन दो ऑड वाला भी लॉजिक सही चल रहा है ना। अब मेरे को जो बी है भीम, उसको 32 से कम पे रोक, 33 से कम पे रोकना पड़ेगा, तो उसके ये दो स्कोर गए। सही चल रहा है बच्चों अभी तक? कार्लोस कार्लोस में 34 ही बनेगा। का 36 नहीं क्यों सर, नहीं बनेगा? 38 बन 36 सकता के लिए है दो 18 लेने पड़ेंगे, पॉसिबल नहीं है। सर, इसको बी भी तो दे सकते, नहीं एक 18 सेकेंड लेके। एक सेकेंड, कार्लोस का 20 तो है ही एक में, 20 हाँ तो सर, है तो ही 38 एक में, 14 तो आपने बन कट कर सकता है। दिया। एक ये क्या कट किया है मैंने यहाँ पे, 14 ही कट किया होगा, तो 34 तो बन नहीं सकता। आप कार्लोस का, कार्लोस के पास जो ऑप्शन है 36 से 38 का है। सर आपने 34 कैसे कट किया, कहाँ पे 30 को? बी और सी में? सर बी और सी में क्या कट किया बेटा? सर, इनके पास बी और सी में ऑप्शन है ना, 34, 36। 36 समझ आ गया, 34 नहीं 34 समझ 36 आया। कैसे एलिमिनेट किया वो मैं बताता हूं। 34 बस। 34 इसलिए एलिमिनेट किया क्योंकि उसका स्कोर ए से कम रखना पड़ेगा, क्योंकि ए दो जनों से ज्यादा है, एक उसमें डी है, सी से ज्यादा कभी ए हो नहीं सकता है, तो सी डेफिनेटली इज फर्स्ट अच्छा रैंकर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसलिए ठीक है और बेटा। सी का हाँ 34 कैसे किया एलिमिनेट? सी का 34 कैसे किया एलिमिनेट? सी का 34 इसलिए किया उसका क्योंकि 14 ट्वेंटी कटा हुआ है। उसको, 20 उसको मिल गया तो उसको 14 ही दिला सकता था, और 14 कटा हुआ है उसका अच्छा, तो ओके ओके, 34 हो ही नहीं सकता उसका। ठीक ठीक है। है बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। हाँ अब सर भीम देखो, का 30 भी कट जाएगा, क्योंकि उसकी दो सेम वैल्यूज नहीं होगी, वो 15 और 15 से ही आ रही है, अपन ने लिख बी रखा है ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बी का 13 भी 30 भी कट जाएगा, दीक्षा बोल रही, क्योंकि 30 केवल 15 15 से पॉसिबल है, वो हो नहीं रहा है ना, तो ये कट गया।
अच्छा बी को 15, 19, 17 में से एक वैल्यू दिलवानी है और दूसरी वैल्यू 15 ही हो सकती है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये 15 तो पक्का आएगा बी के पास, यस सर, क्योंकि एबीसी में से तो कोई एक ही ले सकता है ना वो, और ये 15 आ गया तो ये कैंसिल हो गया और ये 15 कैंसिल हो गया। अब देव के पास एक वैल्यू कितनी आ गई, 18। सर 19 या 17 में से। 18 पता चल गया कौन सा वाला है, 3, 18 हाँ में हाँ से कौन सर, सा ए वाला आया, वाला, तो राइट ये वाला कैंसिल हो सर। गया और आपने ये 15 वाला कैंसिल हो गया, आपने वो वाला ही जो उसके ऊपर है, ई वाला, ई सब्जेक्ट का। क्योंकि बेटा इसलिए करा है क्योंकि एबीसी में से एक वैल्यू ले सकता था तो दूसरी वैल्यू तो ई बची थी उसके पास, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। एबीसी में से तो एक ही ले सकता है ना, हाँ, ई के पास चार ऑप्शन बचे थे, ये तो एबीसी थे और एक ई था, तो इन तीनों में से तो एक ही ले सकता है वो, तो ये तो लेना ही पड़ेगा ना, ठीक है सर। हाँ, ठीक है, ठीक, समझ गए। समझ गए, इसलिए हाँ मैंने सर, उसको कर दिया था। सर अब देखो बी अच्छा में कितना इजी 19 क्वेश्चन नहीं है, सुनो होएगा, सुनो बी कितना में इजी 19 क्वेश्चन रह है, ए बी जाएगा। खत्म हो गया अपना। अब मेरे को भीम की वैल्यूज है, भीम को यदि मैं 19 और 15 तो है ही, 19 15 तो 34 हो जाएगा, तो वो 34 दे ले नहीं लेता सकते, था, तो हाँ उसका 30 ही 17 बना हो गया, सकते ये हैं कैंसिल हुआ और उसका ये हो गया और ये क्वेश्चन खत्म हो गया। सर। इसमें आंसर गलत है फिर, अगर यही है मेरा भी एग्जैक्ट बना, इसके प्लीज क्वेश्चन करें एक बार। बिल्कुल चेक करते हैं, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है इस पे बेस्ड जो है, सब्जेक्ट बी के लिए क्या कह सकते हैं, सर सही 16th है, गो क्वेश्चन सर, अमंग द फॉलोइंग एनवीज ऑल अदर स्टूडेंट, देखते देव होगा ना इसका आंसर, हैं। एनवी करने का मतलब क्या हुआ कि उसके सब्जेक्ट में उससे सबसे कम। ज्यादा दूसरों के नंबर हो। अब ए के सब्जेक्ट कौन है, आशा के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सर डी और डी जी, और जी, तो क्या डी में उससे ज्यादा नंबर है किसी के, है, और जी में है नहीं है, समझ रहे हो बच्चे। एनवी करने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो स्पेशलिटी है उसमें आपसे ज्यादा नंबर आ गए किसी के। मैं एक बार दोबारा ही लाइन पढ़ा देता हूँ, अ क्यूमुलेटिव स्टूडेंट था एक्स सर। हाँ एनवीज अनदर स्टूडेंट सर, मतलब क्यूमुलेटिव होगा एक्स ना, क्योंकि क्यूमुलेटिव स्कोर पर एक्स स्पेशलिटी इज मोर देन एक्स क्यूमुलेटिव स्कोर, है ना, तो इसका क्यूमुलेटिव ले लो। क्यूमुलेटिव ए तो का सर क्यूमुलेटिव निकाल कितना हो देता, रहा है 33, और ये थर्टी किन थ्री सब्जेक्ट्स में हो रहा है, डीजी में, तो आपको देखना है डीजी में किसी और का 33 से ज्यादा हो रहा है क्या। मेरे को तो एक भी नहीं दिख रहा, तो नहीं हो डीजी में रहा, नहीं हो रहा, तो नहीं होएगा। ये तो किसी को एनवी नहीं करेगा। बी की बात करते हैं, बी के स्पेशलिटी क्या क्या है, सी और सी ई, सी ई और ई में उसका हो रहा है टोटल 32। 32 अब आप 32 कोई से भी पेयर देखो सी और ई के जिनका 32 से ज्यादा हो रहा है क्या, सी और ई के, पहले का हो रहा है, दूसरे का सर, भी हो रहा है, तीसरे का भी हो रहा है, अरे हाँ तो तीनों का इससे ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब बी सबको एनवी करेगा। सर, इसका ये मतलब नहीं हुआ क्या कि अपन क्यूमुलेटिव देखेंगे, मतलब मुझे ये नहीं पता था सब्जेक्ट वाइज लेना है, मैंने क्यूमुलेटिव देख लिया। ओवरऑल स्कोर हाँ क्योंकि इसमें नहीं, नहीं लिखा नहीं हुआ बेटा, जो बी के सब्जेक्ट है ना, दो हाँ सब्जेक्ट उसमें जो इसका स्कोर है ना वो किसी और हाँ सर, का उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कंडीशन में लिखा हुआ है, अ स्टूडेंट एक्स एनवी इज अनदर स्टूडेंट वाई, वाइज क्यूमुलेटिव फॉर एक्स स्पेशलिटी इज मोर, तो हाँ ये सब्जेक्ट के लिए ओवरऑल नहीं है। हाँ स्पेशलिटी वाले सब्जेक्ट के लिए एक ही बार। ओके ओके ठीक है सर, हो गया ये सेट कंप्लीट, यस सर, यस ठीक सर।